बता दूं राजेंद्र राठौड़ साहब जो चूरू जिले के हैं, पूरे देश की राजनीति में अपना हिस्सेदारी करते हैं, लेकिन वो चूरू जिले में विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट जीता पाए। और सामान्यतः मैं कहता हूं कि सेकावाटी बेल्ट में अभी लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की थी? उस समय एमपी साहब का नाम क्या था? राहुल कस्बा। उनके क्या जिम्मेदारी थी? उनका जो रिपोर्ट है वो डाउन गई है। सांसद तो वो थे चूरू के, तो उनकी कमी रही है इसलिए उनकी टिकट, जिसकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, मोदी जी ने उन्हीं की टिकट काटी है। तो ये स्पष्ट रूप से पता ही चल गया है कि आप बार बार ये कह रहे हो मेरी टिकट काट दी मेरी टिकट, तो आपका रिजल्ट तो देखिए आप पहले। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, एस एस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। लोकतंत्र का पर्व लोकसभा चुनाव 2024 और पहले चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें हॉट सीट माना जा रहा था चूरू की सीट को, जहां पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। छुटपुट एक दो घटनाएं जरूर हुई होगी, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। जहां तक मतदान प्रतिशत का सवाल है, उसमें गिरावट आई है और लोगों में उदासीनता भी देखने को मिली है, क्योंकि हमने लगभग सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को छूने का प्रयास किया है, तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान का प्रतिशत घटा है। अब ये किस तरफ संकेत करता है, इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आज मेरे साथ दोनों पार्टियों के दो शख्सियत हैं। तो दाई और मेरे बैठी हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयश्री दादी, जो कि नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सुजानगढ़ है, उधर कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज गुलेरिया हमारे साथ हैं, तो दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन लेडीज फर्स्ट, पहला कमेंट हम जयश्री से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले, किस तरह का उत्साह आपको लगा पार्टी में, आपकी पार्टी की बात करें तो मतदान को लेकर? बिल्कुल, मैं पार्टी के बारे में यदि आपको कहूं तो जनता में इतना उत्साह था कि उमड़ घुमड़ कर लोग आ रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा लगा कर उन्होंने वोटिंग की है, मोदी मोदी कहकर वोटिंग की है। तो नो डाउट यहां पर लोगों में बहुत उत्साह था और बहुत यहां पर अच्छी, सुजानगढ़ सिटी की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छी यहां पर पोलिंग हुई है। अगर एवरेज की बात करें तो जिले में 62% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन सबसे कम मतदान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो उसके पीछे आप क्या कारण समझती हैं? देखिए, कई फैक्टर होते हैं, जैसे या तो आप कह सकते हैं कि शादी माहौल है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जहर घोला गया था तो कई लोग उदासीन भी हो गए, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि राष्ट्र हित में जिसको वोट करना था वो सब आगे आए और उन्होंने वोट किया है। मतलब वोटिंग परसेंटेज जो घटा है उसको आप किस रूप में देखती है, भाजपा के लिए प्लस मान रही है माइनस मान रही? मैं तो अपनी ओर से बिल्कुल यही मानूंगी कि ये भाजपा के लिए प्लस ही रहा है। चलिए मनोज जी से कमेंट लेते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से वोटिंग हुई है, और ओवरऑल बात करें तो चूरू जिले में परसेंटेज घटा है तो सुजानगढ़ में काफी घटा है, सबसे कम मतदान हुआ है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि जो लोकतंत्र का जो पर्व होता है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब की बार जब देखने में आया है कि मतदान प्रतिशत घटा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को उत्साह तब होता है जब सरकार अच्छी काम करती है, लोगों में उत्साह होता है। लेकिन ये उत्साह कम होने का कारण सरकार की गलत नीतियां थी, या ज्यादातर बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेटों को जो उम्मीदवार बनाया जिनकी लोगों के प्रति रुचि नहीं है। सीकर के अंदर एक बाहरी कैंडिडेट से दो बार उम्मीदवार बना रही है, उनको लोगों के प्रति उत्साह नहीं है। झुंझुनू में भी कांग्रेस से आए उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दे दी, निर्दलीय उसकी सांसद जो वर्तमान सांसद था उन्होंने उनकी टिकट काटी है। वैसे भी जो पहली सूची या दूसरी सूची 192 में से 131 सांसदों की टिकट काटी गई थी, तो टिकट तभी काटी जाती है जब सांसद अच्छा काम नहीं करता है। सामान्य तौर पर सीकर में बाहरी उम्मीदवार दो बार बाहरी उम्मीदवार को दे दिए, स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं दे रही है, इसलिए वहां जनता का रुझान नहीं था। झुंझुनू में जो वर्तमान सांसद की टिकट काटी गई, इसलिए वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो निष्क्रिय हो गए, उन्होंने वोटिंग नहीं की। 19% का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वही कहानी हमारे चूरू जिले में है, एक जो जमे हुए राजनीति के जो परिवार था उनको, मतलब एक राजनीतिक हत्या के तौर पर, एक जो किसी भी कारण कह सकते हैं, उनकी टिकट काटी गई और वो उन्होंने पाला बदला, तो उनके कार्यकर्ता हैं वो दोनों तरफ हो गए। और वो कार्यकर्ता हैं जो हो सकता है कि वो विपक्षी दल को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन वो अपने दल को भी वोट देने नहीं गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो मेरा ये मानना निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए नुकसानदायी साबित होगा। और सेकावाटी बेल्ट एक अग्निवीर योजना का भरपूर विरोध कर रहा है, और वो भी एक कारण है कि वो कार्यकर्ता खुलकर तो अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे लेकिन वो समर्थन भी नहीं कर रहे। जयश्री ने एक कमेंट कहा है कि यहाँ पर एक जातिवाद का जहर भी घोला गया है,
वो भी काफी प्रभाव पड़ा उसका वोटिंग में? भाई मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि यही उम्मीदवार वर्षों से उनके पास था, तब वो जातिवाद का नाम नहीं ले रहे थे। जो विपक्षी पार्टी में जल जाते हैं तो एक जुमले फेंके जाते हैं। बाकी 36 कौम ने जो राहुल कस्वा का पहले भी साथ दिया था जब वो बीजेपी पार्टी में थे, और निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि वो इस बार भी, क्योंकि एक जाति के इतने वोट नहीं है, आप जब परिणाम आएगा तो उनको इतने वोट मिलेंगे जितने एक जाति से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यही होगा कि सभी जाति वर्ग ने उनको वोट दिया। मनोज जी, जब आप ऊंची राजनीतिक बात करने लगे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर राहुल कस्वा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो ऊंचे स्तर के मुद्दों से मोदी का नाम नहीं ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे जिनके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही थी वो चुरू जिले में देखने को नहीं मिले थे? देखो मेरा मानना है कि इतने दिन कस्वा जी विपक्षी पार्टी में थे, और मैं जितने समय से लगभग 15-16 साल से उनको जानता हूँ, तो उन्होंने कभी भी जिले से बाहर की राजनीति की नहीं। जबकि अगर 35 साल से कोई परिवार अगर राजनीति करता है तो सामान्य तौर पर यह होता है कि वो राज्य स्तर का या केंद्र स्तर का भी नेता बनने की कोशिश करता है। वैसे कभी भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कस्वा परिवार का, राम सिंह जी का या राहुल कस्वा का, उन्होंने कहीं जिले की राजनीति से बाहर नाम नहीं आया। तो वो सामान्य तौर पर अपने कार्यकर्ताओं में ही रहते हैं, और बाहर की राजनीति और ऊपर की राजनीति वो करना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं हर परिवार से जुड़ना चाहता हूं, मेरी लोकसभा के क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूं। लेकिन वो तो काका से बाहर निकल ही नहीं पाए थे पूरे चुनाव के दौरान। हाँ, तो यही जो स्थानीय स्तर की जो राजनीति है उसी में वो पहले भी रुचि रखते थे, और उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने अब की बार चुनाव लड़ा। जयश्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल कस्वा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रहे हैं, पूरा परिवार 35 वर्षों से काम कर रहा था, और फिर जब कांग्रेस ने टिकट दिया तो पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि कहीं भी वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे, केवल उनका टारगेट राजेंद्र सिंह राठौड़ रहा था। देखिए, मैं पहले तो आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपके प्रश्न का उत्तर पहले से ही भाई साहब ने, क्योंकि कांग्रेस में है उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने जवाब दे दिया है। पहली बात, इन्होंने कहा कि एमपी साहब काम सही नहीं कर रहे थे, अभी अभी इन्होंने आपके सुना ही होगा। दूसरा, इन्होंने ये बात कही है कि जमे हुए थे 35 साल से, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, परिवारवाद का अंत करना बहुत ही जरूरी होता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर किसी एक परिवार का ठेका नहीं है कि 35 साल से सिर्फ आप ही ये चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ आप ही का परिवार लायक है। विनम्रता जो होती है वो कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी होती है, और जिस व्यक्ति के पास विनम्रता ही नहीं बची, जिसे बड़े छोटे का अंतर नहीं बचा, जिसे जातिवाद का जहर घोलने से ही फुर्सत नहीं मिली, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट नहीं देकर, मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत सही फैसला लिया। ये जब तक वो बीजेपी में थे, बीजेपी हमारी माँ है, और जो माँ के पीठ में खंजर जो खौप रहा है, आप उस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे चुनाव में आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ या तो जातिवाद का जहर घोला है, या उन्होंने टारगेट किया है अपने प्रतिशोध की आग को, सिर्फ एक ही, विकास की कहीं भी कोई भी बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि विकास से उनको लेना देना ही नहीं है, उन्हें जनता से लेना देना ही नहीं है। 35 साल तक देख लीजिए ना आपने क्या काम, 10 साल से वो सांसद है, आप खुद देख लीजिए सुजानगढ़ में क्या स्थिति है, क्या काम करवाया उन्होंने सुजानगढ़ में, आप पूछिए, आप जनता से पूछिए। जनता की आवाज राहुल कस्वा नहीं थे, इसीलिए मोदी जी ने उनका टिकट काटा है। ये इनको चुनाव को मोड़ कर और कहीं ले जाना चाह रहे थे, लोगों को भ्रमित करना चाह रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि सब पढ़े लिखे हैं, सब देश हित में ही वोट करना चाहते हैं, और वही उन्होंने किया है। कोई जवाब इसका आपके पास? बिल्कुल, ये कह रहे हैं तो उन्होंने कह रहा है कि वो जनता की आवाज नहीं थे, तो मेरे हिसाब से देश में 132 सांसद ऐसे थे जो जनता की आवाज नहीं थे, वो आप ही के पार्टी के थे ना, तो वो जनता की आवाज नहीं है, उनको टिकट, चलो ये कोई एक सांसद की बात होती कि भाई ये नहीं थे इसलिए काट दिए गए, लेकिन 132 सांसद ऐसे थे जब आपके सांसद काम ही नहीं करते हैं तो फिर। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो पार्टी को मां मानने वाली, तो 27 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के पास जो कांग्रेस को पहले मां मानते हैं, उनको टिकट दे दी गई, तो वो क्या उनकी जो क्या दायित्व है कि वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, जब दूसरी पार्टियों के विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं उनको आप टिकटें दे जा रहे हो, और अपनी विचारधारा के लोगों को धीरे धीरे आप घर बैठाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक बात जो जिन्होंने कही उसका कोई औचित्य नहीं है कि वो जनता की आवाज नहीं थे। जनता की आवाज थे और जनता की आवाज निश्चित तौर पर रहेंगे, ये जनता आपको आने वाले 4 जून को बता देगी कि वो जनता की आवाज थे या नहीं थे। मनोज जी, अच्छे वक्त आप, लेकिन ये तो निश्चित है कि इस चुनाव में जो वास्तविक मुद्दे थे वो कहीं भी कांग्रेस के मंच पर कहीं भी नजर नहीं आए, किसी भी नेता को बुलाए, चाहे प्रदेशाध्यक्ष है, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, उन्होंने भी राजेंद्र सिंह राठौड़ का यानी मौर्या का एक नाम लिया, वो मुझे शोभने नहीं लगा। देखो, राजनीति में सब चीजें जायज होती हैं, और जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ जो रणनीतियां होती हैं वो जहां जिसको अच्छी लगती है, जिस प्रकार सेटल होती है, वो हर राजनेता
हर क्षेत्र में अपनी अपनी अपनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के नेताओं ने भी कभी कहीं अपनी योजनाओं का नाम नहीं लिया, न नोटबंदी की उन्होंने उपयोगिता गिनाई, न जीएसटी की उपयोगिता गिनाई, और न जिन्होंने जो सेना के जवान जो मरने के लिए जाते हैं उनको चार चार साल में घर भेजने की तैयारी कर दी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जो 25% रखना चाहते हैं उनके लिए तो कानून बना दिया, लेकिन आप जब मंचों से ये कह रहे हो कि नौकरियों से जो हम चार साल बाद घर भेजेंगे तो उनको दूसरी नौकरियों में आरक्षण देंगे, तो उनके लिए आप केवल भाषा में क्यों कह रहे हो, उनके लिए लिखित में साथ में कानून क्यों नहीं बनाया गया? अगर ऐसा होता तो वो कई चीजें ऐसी होती है जो स्थानीय भाषाओं में होती है, वो वहां के मुद्दे ही काम करते हैं। और निश्चित तौर पर जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो मोदी की लहर है या मोदी की हवा है, हमारे तो यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिली, स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे। न तो कोई देश की राजनीति का नाम लेने वाला चूरू लोकसभा में, और न तो विपक्षी पार्टी ले रही, और न कोई जो स्थानीय बात, मैं सीधी बात कहता हूँ कि हमारी पार्टी, क्योंकि ऊपर की जो राजनीति करते हैं वो नेता जनता के लिए नहीं होते। ये सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं, राजेंद्र राठौड़ साहब जो चूरू जिले के हैं, पूरे देश की राजनीति में अपना हिस्सेदारी करते हैं, लेकिन वो चूरू जिले में विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट जीता पाए, और सामान्यतः मैं कहता हूँ कि सेकावाटी बेल्ट में अभी लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। अभी इन्होंने चर्चा छेड़ी थी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, हालांकि उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, लेकिन आपको लग रहा है कि रिकवरी कुछ की होगी? देखिए, इन्होंने अभी जैसा कहा है कि चूरू में जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की थी? उस समय एमपी साहब का नाम क्या था? राहुल कस्बा। उनके क्या जिम्मेदारी थी? उनका जो रिपोर्ट है वो डाउन गई है, सांसद तो वो थे चूरू के, तो उनकी कमी रही है इसलिए उनकी टिकट, जिसकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है मोदी जी ने उन्हीं की टिकट काटी है। तो ये स्पष्ट रूप से पता ही चल गया है कि आप बार बार ये कह रहे हो मेरी टिकट काट दी मेरी टिकट, तो आपका रिजल्ट तो देखिए आप पहले, आपने कितनी, सिर्फ एक चूरू की जीती है, बाकी तो सारे के सारे ही हारे हैं हम विधानसभा। तो ये जब रिजल्ट ही आपका खराब गया तो किस बेस पर आप टिकट मांग रहे थे? तो यहाँ पर जाकर ये गलती जाती है, सिर्फ एक व्यक्ति को आप इंगित करते हो, एक व्यक्ति पर यदि आप कोई जिम्मेदारी थोप रहे हो तो ये सरासर गलत है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, चुनाव के दौरान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दोनों पार्टियों ने मुझे लग रहा है कि गंभीरता से नहीं लिया, न कोई बड़ा नेता दोनों पार्टियों की तरफ से आया, न कोई बड़ी मीटिंग की गई, आपको नहीं लग रहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को हल्के में लिया गया इस बार? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ शिव जी, जब आपने पूछ लिया है, सुजानगढ़ विधानसभा कतई कमजोर नहीं है, यहाँ का हर कार्यकर्ता ही बड़ा नेता है। आप देख सकते हैं कि हर कार्यकर्ता हर बूथ पर हर गली में घूमकर अपना जो है बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि मोदी जी की नीति। वो तो वार्ड मेंबर चुनाव तो भी होता है, लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी की चूरू में रैली हुई, जब पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं, एक हारी हुई सीट थी वहां पर, निश्चित रूप से आपको भी लगता होगा कि कोई ना कोई एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए, कि नेता को आना चाहिए था। देखिए, हमारे सबसे बड़े तो मुख्यमंत्री जी, वो सालासर में आए, वो सुजानगढ़ विधानसभा ही तो है, सालासर में आके उन्होंने सबकी मीटिंग ली है, तो इससे बड़े क्या होंगे, उनसे बड़े तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर हमें संभाल लिया, उससे बड़ा क्या चाहिए बताइए, कहाँ नहीं आए नेता तो आए हैं। मनोज जी, ये सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ गए क्योंकि वो सुजानगढ़ के करीब ही है, सुहाण विधानसभा क्षेत्र ही है, ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के सारे ही जो कार्यकर्ता है बड़े नेता है। ये निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कार्यकर्ता है वो सारे ही बड़े नेता है, वो कार्यकर्ता बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, और उसी का ये परिणाम है कि जो शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंट कम हुई है तो सामान्य तौर पर बीजेपी के लिए घातक है, और ग्रामीण क्षेत्र की जो बूथों की जो पोलिंग है वो विधानसभा के लगभग नजदीकी है, किसी में 2% का अंतर है या किसी में 10-15% का अंतर नहीं आया है। तो जो दूसरी बात कि इनके प्रधानमंत्री जी भी चूरू लोकसभा में रैली कर गए, और ये मैडम जी कह रहे हैं कि सीएम साहब भी हमें आकर मीटिंग कर गए, सालासर बालाजी के तो पूरे भारत के नेता दर्शन करने आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बालाजी के धोख लगाने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीतिक गतिविधियां करने आए हैं। और दूसरी बात, हमारी बात आप कर रहे हो तो हमारे जो विधायक जी हैं और नजदीकी जो रतनगढ़ विधानसभा के विधायक जी, दो बड़े नेता हैं, मजबूत स्थिति है, इसलिए बाहरी किसी बड़े लीडर की आवश्यकता भी हमने महसूस नहीं की। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने डटकर बीजेपी के नेताओं का मुकाबला किया है, सीएम साहब का भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ आकर कोई रैली कर सके, पास में रतनगढ़ करके चले गए। रोजित, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता, उसमें जो अल्पसंख्यक वोट थे वो बड़ा प्लस पॉइंट हुआ था, लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में लगभग 5-6% जो है अल्पसंख्यक वोट कम पड़े हैं, आपको नहीं लगता इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को? नहीं, लगभग औसत देखो, केवल जो अल्पसंख्यक नहीं है, हर बूथ पर जो 2-3% का अंतर आया वो एक सामान्य, कांग्रेस की बड़ी ताकत विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट रहे हैं। हाँ, नहीं, सामान्य तौर पर क्या होता है कि लोकसभा से विधानसभा में 2-3% का अंतर रहता है, तो आप केवल अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की बात न करें, वोट जैसे कांग्रेस को
सारे जो जाति वर्ग के लोग देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माना जाता है वहां पर अच्छी वोटिंग हुई है। शहरी क्षेत्र में भी जो अल्पसंख्यक विभाग के वहां अच्छी वोटिंग हुई है। जो अंतर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सामान्य होता है उतना ही अंतर पाया गया है। चलिए एक सीधा सवाल, क्योंकि आप जाट समुदाय से जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं, आपको लग रहा है कि ये फैक्टर था जाट वाला जिले में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजगढ़, तारानगर, भादरानौर में परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ है और हमारा जो पूरा बेल्ट सदासे, रतनगढ़, सुजानगढ़, इन क्षेत्रों में वोटिंग काफी कम हुई है। नहीं, वैसे कोई देखो जातिवाद की कोई या जो जाट फैक्टर है उसकी कोई फर्क नहीं है। वैसे भी झुंझुनू से लेकर बाड़मेर तक हमारे ही जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये फैक्टर दूसरी बात या चुरू लोकसभा में भी दोनों उम्मीदवार है वो हमारी जाति के थे, इसलिए जातिवाद का कोई फैक्टर आप नहीं कह सकते। अगर कोई अदर जाति का उम्मीदवार होता तो हो सकता है जातिवाद का हो, लेकिन जो ये हमारे समाज के ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ने का कारण है कि जो किसान वर्ग के जो आंदोलन हुए थे उस दौरान बीजेपी ने उनके साथ उस पर की घटनाएं हुई, पहलवानों को सड़कों पर बुला, और सबसे ज्यादा विरोध मैं युवा हूं और मेरे जो जो साथी है या मैं पैसे से अध्यापक हूँ, जो मेरे जो शिष्य है वो यही कहते हैं कि गुरुजी ने जो ये अग्निवीर की योजना है वो देश के लिए सबसे घातक है और उसका विरोध था। और सेकावाटी बेल्ट में ज्यादातर मायने में विरोध उस एक ही योजना का है, क्योंकि सवाल से आप दूर जा रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि झाझड़िया जो है और उनकी धरपत्ती भी कहा है कि हमारे ऊपर भी जाट होने का प्रश्न लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो थी चुनाव के दौरान। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि जाट समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? नहीं, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, वो ये है दोनों उम्मीदवार जब एक ही जाति के हो तो जातिवाद की बात आती नहीं है, केवल अन्य जातियों के वोट लेने के लिए। झाझड़िया जी की जाति पर प्रश्न लगाया जा रहा था, उनको मीटिंग में कहना पड़ रहा था कि मैं जाट हूँ। नहीं, वो तो अपनी हिसाब से जो खुद अगर सफाई देना चाह रहे तो वो अलग बात थी, बाकी विपक्षी जो उम्मीदवार है, विपक्षी पार्टी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो जाट नहीं है या अन्य नहीं है। दूसरी बात देखो, उम्मीदवार होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती है वो पार्टी का उम्मीदवार होता है, किसी जाति विशेष का उम्मीदवार नहीं होता है। देखिए, जातिगत मतगणना के तो बार बार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इनकी चर्चाएं भी होनी जा रही। चलिए आखिर में यह जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद करते हैं, किस जिस तरह का, अगर हम हमारे क्षेत्र की बात करें बिदासर और सुजानगढ़ में जिस तरह की मतदान जिस तरह का हुआ है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद रखते हैं आप? सामान्य तौर पर 20 से 25 हजार की लीड सुजानगढ़ विधानसभा देगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो सामान्यतः सरकार की, जैसे ये तो माना जाता है कि सरकार के वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो सरकार के विरोध बढ़ता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये कहती है कि जो कार्यकर्ता सरकार की नीतियों से नाखुश थे वो वोट डालने के लिए नहीं गए, इसीलिए उनकी जो है प्रतिशत घटा है और निश्चित तौर पर वो नुकसानदायक है। मेरे प्रश्न का जवाब आपने पहले दे दिया, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तब कहा जाता है कि ये सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस बार परसेंटेज घटा है, इसलिए अब देखना है कि ये क्या फैक्टर है, क्योंकि अभी तक का जो आज तक का जो रिकॉर्ड है इसमें ये रहा कि परसेंटेज जो बढ़ना होता है वो जो है वो सरकार के खिलाफ माना जाता है। आप क्या समझते हैं इस मामले में? बिल्कुल सही बात कही आपने, बंगाल की स्थिति आप देख सकते हैं, वहां पे वोट परसेंटेज बढ़ा है क्योंकि वहां की सरकार के खिलाफ है लोग, इसलिए वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ा है और मोदी जी के पक्ष में वहां पर वोट हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, यहां पर ऑलरेडी सरकार भाजपा की पहले ही राज्य में आ चुकी है और अब भी राज्य में पूरे केंद्र में यही सरकार आएगी। लोगों को पता है हम मोदी जी के हैं, तो मैंने वही आपको पहले बताया कि जो राष्ट्रहित में वोट करना चाहते थे वो सभी आए, पर जिन लोगों को आपने अभी भाई साहब से अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में पूछा, तो टिकट तो वास्तव में देखे तो अल्पसंख्यक भाई की कटी है, तो रोष तो उनके मन में भी तो होगा, तो यही जो है सबसे बड़ी गलती रही इनकी। और जहां ये किसान और युवाओं की बातें कर रहे हैं, मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगी कि मोदी जी की सिर्फ चार ही जाति, चार ही धर्म और चार ही सबसे विकास के बड़े जो पिलर हैं वो युवा, महिला, किसान और गरीब ही हैं, तो उन्हीं चार के विकास पर ही हम पूरा विकसित भारत का संकल्प लिए हैं 2047 तक। तो कहीं भी ये प्रश्न नहीं उठता है कि हम युवाओं के लिए बीजेपी नहीं सोच रही है या महिलाओं के लिए नहीं सोच रही है। कांग्रेस की सिर्फ एक ही नीति रही है जो आपने अभी अभी देखी है कि सालासर बालाजी, मुख्यमंत्री जी जो है दर्शन करने सारे ही नेता आते हैं, तो दर्शन को आप छोटी बात मानते होंगे लेकिन हम किसी भी कार्य को करने से पहले दर्शन करते हैं और उसी लिए आए थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, हम सभी वहां पर मौजूद थे। यदि आपको नहीं विश्वास होता है तो आप जरूर यूट्यूब खोल कर देख सकते हैं, पूरी बाकायदा संभाल नहीं आए थे वो यहाँ पर कि सुजानगढ़ विधानसभा की क्या स्थिति है। चलिए आखिर में एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, हर चुनाव में एक हवा की बात आती है कि इस बार मोदी लहर है या कोई और लहर है, आपको नहीं लग रहा है कि इस बार कोई लहर वाली चीज देखने को नहीं मिल रही थी? जी, हमारे कैंडिडेट का आपने सुना ही होगा कि सुना तो था मोदी लहर है, मोदी जी की हवा है, पर यहाँ तो पूरा तूफान ही मोदी जी का ही दिख रहा है, तो पूरे के पूरे सब जगह मोदी मोदी दिख रहे हैं और वही जीत निश्चित है। क्या कहेंगे मनोज जी, आपको भी मौका देते हैं इस बात पर।
देखो लहर नाम की कोई चीज नहीं है, अगर लहर नाम की अगर चीज होती तो सामान्य तौर पर 70-75% मतदान होता और उसको जनता दर्शाती। अब मेरा यह मानना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुलकर सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राज्य में भी सरकार है और उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी कल चूरू लोकसभा में लाल जी ने सीधे लोगों को धमकाया है, झुंझुनू विधानसभा में उन्होंने सीधा धमकाया है कि अगर ऐसा है तो बाड़मेर भेज देंगे और भेज देंगे। तो वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और वो डर कर घर बैठ गए और मतदान नहीं करना चाहते। लहर नाम की कोई चीज ही नहीं है, न तो कोई मोदी जी की लहर है न कोई और लहर है, एकदम उनके विरोध की लहर है जो सामान्य तौर पर सेकावाटी बेल्ट में उन्होंने विधानसभा में भी देखी थी और लोकसभा में उससे ज्यादा उनको विरोध झेलना पड़ेगा, और यही मेरा मानना है। चलिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चर्चा थी, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैरवी कर रही थी जयश्री दादी जो कि नेता प्रतिपक्ष नगर पर सुजानगढ़ में है, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज गुलेरिया हमारे साथ है। दोनों ने जमकर अपने अपने यहां पर दावे प्रस्तुत किए हैं। अब देखना यह कि जो वोट परसेंटेज घटा है उसका फायदा इस बार भाजपा को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है। कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि ये जो हॉट सीट थी जहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि बंपर मतदान होना चाहिए, लेकिन लोगों में उदासीनता देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहर में कहीं भी बात करें, उस दिन गर्मी भी थी, लू भी चल रही थी, लेकिन राजनीति की गर्मी देखने को नहीं मिली। अब ये तो अभी बहुत लंबा वक्त है क्योंकि हमें इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में कई तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन हमने थोड़ी सी चर्चा दो नेताओं के साथ की है। उम्मीद है कि चर्चा आपको ठीक लगी होगी और हमने निष्पक्ष रूप से दोनों को मौका दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, 4 जून को ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। एसएन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।